नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट पे मैं हर रोज बातें कर रहा हूं। कल के सत्र में मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और इसका जो मेन रीजन था HDFC ट्विंस था। HDFC ट्विंस का मतलब हुआ HDFC बैंक और HDFC। यहाँ पे MCICI ने अपने चेंजेस किए। अब MCICI क्या होता है ये पहले भी हम बता चुके हैं। ये मॉर्गन स्टैनली का जिस तरह से निफ्टी का हमारा एक्सचेंज है उसी तरह से MCICI है, मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स, इसको बोलते हैं MSCI। तो इन्होंने चेंजेस किया और इससे भारी गिरावट HDFC में देखने को मिला, HDFC बैंक में देखने को मिला। और इसमें चेंजेस क्यों होती है, बीच बीच में ये स्टॉक को अपना रेगुलेट करते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं, तो उसी चेंजेस का हिस्सा नतीजा ये हुआ कि HDFC में 5% के आसपास की गिरावट देखी, HDFC बैंक में भी 5% तक की गिरावट देखने को मिली एक्सपायरी कल के सत्र में। अब इसमें और भी जो रीज़न थे उसमें रीज़न और भी क्या थे ये समझने की कोशिश करते हैं। उसमें इंडसइंड बैंक भी गिरे। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि HDFC ट्विंस फेल शार्पली टुडे आफ्टर एंड अपडेट ऑन MCICI इम्प्लीमेंटेशन फॉर HDFC एंड HDFC बैंक पोस्ट देयर मर्जर। MSCI सेड इट विल इंक्लूड द मर्जर एंटिटी इट्स लार्ज कैप इंडेक्स बट द एडजस्टमेंट फैक्टर वुड 0.5 मार्केट कैम अंडर प्रेशर आफ्टर यूरोपियन सेंट्रल बैंक हाइक रेट्स एंड एज फियर ऑफर द US बैंकिंग सेक्टर वर्जन विद द कॉलेप्स ऑफ पैक वेस्ट बैंकॉर। तो ये जो सारे रीजन थे इसके कारण US में बैंकॉर जो है फिर से 2-3 बैंक डूबने का न्यूज आ रहा है, इससे भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल एंड IT स्टॉक्स ड्रैग्ड इंडियाज बेंचमार्क इंडाइसेस लोअर ऑन फ्राइडे, लोअर में बंद हुआ। एट द एंड ऑफ द सेशन टुडे सेंसेक्स टंबल्ड 694.96 पॉइंट, करीब करीब 700 पॉइंट सेंसेक्स टूटा टू सेटल 61,054 में बंद हुआ है। वाइल द निफ्टी फेल 186.80 पॉइंट, तो निफ्टी भी 186 पॉइंट गिरा है और 18,069 पे बंद हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑन BSE फेल 1.3 लाख गिरा है, करोड़ 7 लाख करोड़, करीब करीब इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज हुआ है। ग्लोबली स्टॉक ओवर इन ए टाइट रेंज ऑन फ्राइडे, स्टील ऑन कोर्स फॉर ए वीकली लूज एज इन्वेस्टर बैलेंस बेट्स ऑन सेंट्रल बैंक पुशिंग रेट इंक्रीज विथ लेटेस्ट रूट शेयर्स ऑफ US रीजनल लेंडर्स। MCICI ब्रॉड इंडेक्स ऑफ ग्लोबल इक्विटीज एज 0.1% higher following a 4-day losing streak, while Europe's stocks 600 shares index rose 0.2%. London, Frankfurt, Hong Kong and Wall Street futures advanced. Shanghai declines. Market in Japan and South Korea were closed for holidays. Oil prices advanced. Oil prices बढ़ रहे हैं और जापान और साउथ कोरिया का मार्केट बंद है और इसमें तेजी है। लंदन का, हांगकांग का, वॉल स्ट्रीट का फ्यूचर में तेजी देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में भी तेजी था कल 400 पॉइंट का आसपास का। बैक होम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो एंड FMCG एडवांस स्टॉक्स एडवांस, IT मेटल्स एंड फाइनेंशियल एंडेड लोअर। तो ये सारे नीचे थे। ऑन द निफ्टी HDFC बैंक, HDFC, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील फेल द मोस्ट वाइल टाइटन, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल रोज। तो अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं गिर रहे हैं और मार्केट में बहुत तेज़ी भी बनी थी, तो क्या बियर अब हावी हो गए हैं, अब मार्केट में गिरावट का दौर जारी हो गया है, ये सोमवार के सत्र से देखने को मिलेगी। फिलहाल मार्केट में कल के सत्र यानी शुक्रवार को मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और इसमें ज़्यादा सपोर्ट रहा HDFC ट्विंस का यानी HDFC बैंक और HDFC का प्लस इंडसइंड बैंक का, टाटा स्टील का, ये सारे कंपनी जो थे इसका ज़्यादा योगदान रहा निफ्टी को गिराने में। इसके अलावा सारे स्टॉक करीब करीब रेड में बंद हुए क्योंकि 700 पॉइंट मार्केट टूटा था।
तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।